कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जनरल टर्मिनोलॉजी और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और वर्नर थ्योरी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक नेसेसरीली सेंट्रल एटम होता है एंड दूसरी बात की थी लिगेंड्स होते हैं और लिगेंड्स प्लस कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल एटम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का उसको मिलाकर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं और जो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आते हैं उन्हें आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बनते क्यों है, कौन से ऐसे एटम हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, कौन से ऐसे मेटल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। क्या सोडियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है? आंसर इज नो। सो देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन कौन सी वो दो कंडीशन है? उसमें पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो मेटल बनाएगा जिसके पास एमटीडी ऑर्बिटल्स हैं, राइट। एंड सेकंड, जिन कंपाउंड्स जिन मेटल्स के पास एमटीडी ऑर्बिटल्स हैं और सेकंडली जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। तो दो कंडीशन कौन कौन सी हो गई? कंडीशन नंबर वन, पहली कंडीशन एमटीडी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एंड कंडीशन नंबर टू एमटीडी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे लिगेंड से, एंड कंडीशन नंबर टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने का एक और रीजन बताया गया है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं ईएएन कंसेप्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। क्या कहते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि सेंट्रल एटम कितने लिगेंड्स एक्सेप्ट करेगा, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो समहाउ सेंट्रल एटम अपने नियरेस्ट पॉसिबल नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। दैट मींस जैसे आयरन है तो इनिशियली उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी उसे 36 करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इट नीड्स 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस आयरन जिसके पास ऑलरेडी 26 इलेक्ट्रॉन थे, अगर उसे 36 करने हैं तो वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर या 10 इलेक्ट्रॉन्स एक ही बात है एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना बन जाए? 36। इसीलिए आयरन का एक बहुत कॉमन सा कंपाउंड नोन है जो है FeCO5, जिसको बोलते हैं, नाम बोलिएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। ये एक रीजन है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को समझाने का, स्टेबिलिटी को बताने का। व्हाट इज ईएएन? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम या आयन और आयन प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। आयरन के पास इनिशियली 26 इलेक्ट्रॉन थे एंड इसने 5 पेयर एक्सेप्ट किए, 26 प्लस 10 बिकम्स 36, नियरेस्ट नोबल गैस बनने के कारण ये स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आयरन यहां पर देखते हैं। पहले इसका आईयूपीएसी नेम बताइएगा ताकि रिवाइज कर पाए। दिस इज हेक्साक्वा आयरन थर्ड, इज इट ओके? फेरेट लगेगा आयरन, आयरन क्योंकि प्लस चार्ज है। अगर ये माइनस में होता इसी का नाम होता, जो भी लिगेंड्स के नाम होते, फेरेट थर्ड। अब क्वेश्चन है इसका ईएएन कैसे निकलेगा? इसका ईएएन निकलेगा ऐसे, Fe यहां पर प्लस 3 स्टेट में है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 23। कितने होंगे? 23। तो ईएएन निकलेगा 23 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने यहां पर लिए हैं? It is accepting 12. तो यहां पर EAN आ गया 35. तो इसका मतलब ये तो इस कंसेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा। अगर यही एग्जांपल हम एक और लेते, एंड एग्जांपल इज FeH2O6 2+, तो यहां EAN कितना आता देखिएगा, आयरन का होता है 26 माइनस 2, ये आ गया अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस 6 × 2, Now this is 36. तो ऐसा देखा भी गया है कि FeH2O 2+ और FeH2O 3+ दोनों मिलते हैं, यहां पर EAN फॉलो कर रहा है और यहां EAN फॉलो नहीं हो रहा है। सपोज कोबाल्ट की बात करते हैं, नाउ कोबाल्ट का EAN अगर हम निकालें इस कंडीशन में तो FeCO 27 होता है माइनस 3, टोटल 27 में से 3 माइनस क्योंकि यहां पर कोबाल्ट प्लस 3 स्टेट में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 24 प्लस 12, अगेन कितना आ गया बच्चों? 36।
यहाँ भी 36 आया, यहाँ भी 36 आया, इस केस में भी 36 आया, लेकिन यहाँ 36 नहीं आया, तो EAN टोटल 36 आ भी सकता है और एक केस में नहीं भी आया। मान लीजिए हम निकल के लिए EAN निकाल रहे हैं तो कितना आता है, निकल का होता है 28 प्लस 2 into 4, अगेन इट कम्स आउट टू बी 36। आयरन का मैं निकाल के दिखा चुका हूं आप सभी को, यानी कि अभी तक मैंने जो एग्जांपल दिखाया उनमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि EAN 36 या नियरेस्ट नोबल गैस के पास पहुंच रहा है, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल हो जरूरी नहीं है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, CrCl6 3-, यहां पर क्रोमियम के लिए EAN निकालते हैं, कितना आता है EAN ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम में इनिशियल भी 24 होते हैं, यह ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, इस तरह से माइनस 3 हो जाएगा प्लस 12, इट कम्स आउट टू बी 33। इसका मतलब EAN फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो EAN जरूरी नहीं है एक अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है। इनिशियली बताया गया था EAN कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बेसिक रीजन हमें समझ में आ गया था कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और एंटी ऑर्बिटल ज्यादा होने चाहिए, लेकिन EAN भी एक कंसेप्ट है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार में से कौन EAN कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो हम सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। एक क्वेश्चन और यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप निकाल के दिखाइए CoEN होल थ्राइस, और यहां पर आ गया है हमारे पास 3+। अब कोबाल्ट के लिए अगर मैं EAN निकालना चाहता हूं तो देखिएगा सभी बच्चे, कोबाल्ट के लिए अगर हम EAN निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, कोबाल्ट के लिए अभी अभी हमने निकाला था इट इज 24। अब गलती क्या होने वाली है, वो ये होने वाली है कि इथाइलिन डायमाइन 3 दे रखे है, लेकिन इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड अगर है तो वो एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 2, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 4, तो यानी कि इसका EAN निकालते टाइम 3 into 2 नहीं करेंगे, 3 into 4 करेंगे। अगर कोई टेट्राडेंटेट लिगेंड है तो वो एक बार में इलेक्ट्रॉन कितने देने वाला है, 8, अगर बाइडेंटेट तो एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन देने वाला है, 4, पेयर कितने देने वाला है, 2। इसका मतलब ध्यान रखिएगा डेंटासिटी इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इट इज नॉट नंबर ऑफ लिगेंड्स, इट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड। इस तरह से EAN कंसेप्ट एक अधूरा कंसेप्ट जरूर है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट IIT और बोर्ड में भी, क्योंकि बोर्ड भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है इसलिए पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बॉन्डिंग से रिलेटेड है उसके बारे में हम बातचीत शुरू करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम शुरू करें उससे पहले ध्यान कीजिएगा, एक हमने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एक होता है डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो होता है जिसमें 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है लेकिन देने वाला एक होता है, जबकि शेयर 2 के बीच में होता है, जिसे हम हेडेड से एक हेड से इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया करते थे। इसी कारण से, इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या क्या सिखा रही है, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये बोल रही है कि जो सेंट्रल एटम होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आंसर है अपनी प्राइमरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सेकेंड पॉइंट इज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी वैलेंसी पर। थर्ड पॉइंट इज कौन से तरह के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, ये थर्ड पॉइंट अभी मैं एग्जांपल से जब बात करूंगा तब समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट इज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए थे और जो लिगेंड्स के पास एम्प्टी जो फिल्ड ऑर्बिटल थे उनके बीच में बॉन्ड बनता है और बॉन्ड फिर डेटिव बॉन्ड बनता है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फिफ्थ पॉइंट इज शेप भी वहीं से डिसाइड की जाती है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो शेप कैसी होनी चाहिए, देन शेप शुड बी टेट्राहेड्रल, कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 है तो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3d2 है d2 sp3 है तो शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल।
इस तरह की कुछ शेप्स भी यहीं से पता चलती है हमें। साथ ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बातचीत बता सकते हैं आप कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। एंड लास्टली पाई बैक बॉन्ड। लेकिन इनको अपन समझने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं। देखिएगा इनिशियल स्टार्ट अपन करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है FeCl6 3-, और इसी का एक और दोस्त है FeCn6 3-। सो आई एम कंसिडरिंग टू साइमल्टेनियस एग्जाम्पल्स एंड पुटिंग देम इनटू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कैसे कनेक्ट होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन दो से, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहचानिएगा हमारे पिक्चर का हीरो कौन है, सेंट्रल एटम आयरन। सेंट्रल एटम आयरन लूजेस एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू विल पुट Fe जिसके 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन 3d6 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप सभी को आती होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वहां से आप पता लगा सकते हैं। सो Fe26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s2। एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि क्या हम इन सबके एटॉमिक नंबर याद करेंगे, आंसर है 30 तक तो याद है आपको, और अगर 30 तक याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल याद कीजिए। पीरियोडिक टेबल का लिंक नीचे दे रखा है आपको, बहुत बड़ा अच्छा वीडियो है जिसमें 16,000 लाइक्स भी वहां पर है, तो आप उसको देखिएगा, वहां से आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर भी हम याद रख पाएंगे। तो Fe आर्गन 3d6 4s2 होता है ये सेंट्रल एटम, ये एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने करेगा उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगा। x+-1 × 6 = −3। तो इस तरह से x हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इट विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या बन जाएगा Fe3+। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स 3d5 4s0। माइंड इट, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम गलती हो जाती है हमसे कि हम इलेक्ट्रॉन कहां से हटा देते हैं, पहले 3d में से। याद रखना है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए n+l रूल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए कोई रूल नहीं है, जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल है वहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। यहां पर वैलेंस शेल 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे। नाउ इट बिकम 3d5 4s0 और 3d5 एंड 4s0 यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 4s खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास 4p भी है और इसके बाद हमारे पास 4d भी इन्वॉल्व है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको कितने, इसकी प्राइमरी वैलेंसी तो हमने 3 देख ली थी इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने यूज होंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। हु विल डिसाइड दिस, सेकेंडरी वैलेंसी। यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, 6, तो कम से कम 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, देन ओनली हम इस कंपाउंड की शेप ज्योमेट्री मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा पाएंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शुड बी sp3d2। क्या होगा sp3d2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसलिए 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3d2। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डिपेंड अपॉन d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, कॉम्प्लेक्स में कौन सा d इन्वॉल्व है, 3d या 4d। ये हमारे पास था 4s, ये 4p, ये 4d, क्योंकि d ऑर्बिटल बाहर वाला इन्वॉल्व है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आपके दिमाग में फिर एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि d तो बाहर वाला इन्वॉल्व होगा, अंदर वाला तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि तो फिल्ड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले कुछ पॉइंट्स इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, जब इस पॉइंट पर आएंगे FeCn6 3- पाएंगे तब ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। सो Fe3+3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर ने डिसाइड किया, d ऑर्बिटल्स की वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। अब एम्प्टी ऑर्बिटल्स यानी कि कौन से वाले, ये वाले, इसको मैं m और एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे दिखाता हूं, और लिगेंड जिसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड है, पेयर लेके बैठा हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, दैट विल बी एक डेटे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन दे एक एटम रहा है, एक स्पीसी रहा है, जबकि शेयर दो के बीच में हो रहा है। दिस इज टर्म्ड एज डेटे बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हम
एरो से दिखा दिया करते थे। ये वही हार्ड लाइन है जो वर्नर ने अपनी सेकेंडरी वैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाई थी वर्नर थ्योरी में, जो हमने डिस्कस की थी। सो पॉइंट नंबर वन इज ओके, पॉइंट नंबर टू इज ओके, पॉइंट नंबर थ्री इज पार्टली ओके, इनहैबिटेबल बच रहा है, फोर्थ इज ओके। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स सिंपल है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। तो शेप कैसी होगी इस कंपाउंड की, इट शुड बी लाइक दिस, m एंड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमने कल भी उसमें भी देखा था वीडियो में भी, कि किस तरह से बात करी थी, चार एक प्लेन में है, एक बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ और एक बाहर की तरफ जुड़े हुए हैं, और हेड्रल से सरफेस कितने मिल रहे हैं, आर्क। तो इस तरह से इसमें कितने बने, ऑक्टाहेड्रल। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। बताइएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 5। तो ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक सीखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो ही हो सकती है कॉम्प्लेक्स में, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, और खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। और इस पैरामैग्नेटिज्म को हम मैग्नेटिक मूवमेंट से भी समझा देते हैं। किससे समझा सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट से भी समझा सकते हैं, म्यू से भी समझा सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन होता है, जहां एन क्या होता है, एन इज नोन एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो पैरा मैग्नेटिक कौन से हो गए, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक, और अगर ऑल पेयर्ड है तो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। तो एक हो गया पैरामैग्नेटिक, एक और हो गया डायमैग्नेटिक। बताइएगा यहां पर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डेफिनेटली क्योंकि 5 अनपेयर्ड है इसलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। एंड इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 1 2 3 4 5। सो विल पुट म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 5 + 2 अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है कि FeCl6 3- की शेप बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आईटी नीट से सब में बनता है, तो कैसा क्वेश्चन बन रहा है वो ये क्लियर है। हम सेंट्रल एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी, डी ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है डिसाइड करेगा आउटर ऑर्बिटल या नया ऑर्बिटल, एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, शेप डिसाइड हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाएगी। 7 पॉइंट बच रहा है, बट बिफोर दैट पॉइंट नंबर थर्ड भी तो अधूरा ही बच रहा है। तो उसके लिए देखिए एग्जांपल हम बात करें FeCN6 3-, बहुत छोटा छोटा सा चेंज हो रहा है यहां पर। Fe का भी वही प्लस 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, लेकिन जैसे ही CN आ जाता है इस केस में एक चेंज देखने को मिलता है, एक चेंज हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। वो चेंज क्या होता है इसको हम देखते हैं। सो FeCN6 3- के केस में नॉर्मल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देंगे, लेकिन एक्चुअल क्या होगा वो देखिएगा। चेंज है इसमें 1 2 3 एंड ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर अप हो जाते हैं। देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहां 2 पेयर हो गए। ये बहुत अजीब सी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही होगी आपको, आपको लग रहा होगा ये तो पॉलिंग रूल ही डिस्टर्ब हो गया। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते थे, हुंड्स रूल डिस्टर्ब हो गया। तो हुंड्स और पॉलिंग और आगो के प्रिंसिपल की चिंता नहीं करनी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट है। तो यहां क्या हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रहे लेकिन ये दोनों पेयर्ड हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन इमेजिन कीजिएगा, एंड दैट इज अब हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। कौन सी होगी हाइब्रिडाइजेशन, g2sp3। मजा नहीं आ रहा होगा, यहां पर अटक गई सूत्र, सुई अटक गई, सुई से अटक गई कि भाई ये तो पांचों एक जैसे हैं, और जो पांचों ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं, एक ही सबशेल के होते हैं, उनको हम बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं बच्चों, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। देखिए जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड प्रिंसिपल थोड़ी बोल रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा हूँ। थ्योरी हैज सर्टेन लिमिटेशन, ये इसकी लिमिटेशन है, ये कंसेप्ट ये नहीं बता पा रहा कि FeCl6 में तो sp3 d2 क्यों हुआ और FeCl6- में d2sp3 क्यों हो रहा है। तो sp3 d2 और d2 sp3 हमने अब तक सिर्फ सुने थे, यहां इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉर्मल डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। अभी अभी के लिए जस्ट फॉर दिस वीडियो आप मान लीजिए कि CN जब भी होगा तो ऐसा केस देखने को मिलेगा और CL जब भी होगा तो ऐसा केस देखने को मिलेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हमें CFT में मिलेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलेगा।
अभी देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है इस क्वेश्चन के लिए. सेकंड पॉइंट, एप्रोप्रिएट नंबर, यस, सिक्स ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, डिपेंड अपॉन डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, डी कौन सा यूज हुआ, अंदर वाला, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाने वाला है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इज इट ओके, हाइब्रिड डी टू एस पी थ्री है. नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल, सेम वही कहानी बनेगी, मेटल और लिगेंड के बीच में फिर से उसी तरह का बॉन्ड बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. शेप फिर वही ऑक्टाहेड्रल लेने वाली है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बार पैरामैग्नेटिक ही है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कम पैरामैग्नेटिक. कैसा पैरामैग्नेटिक, लेस पैरामैग्नेटिक. यहां इस बार में यू कितना आएगा, अंडर रूट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 3 रूट 3 आ गया हमारे पास. एंड प्लस 2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सो इट विल बी 1 + 1 + 2 = 3 रूट 3 बोर मैग्नेट्रॉन. तो इन दोनों में से ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन हुआ, ये वाला. कम पैरामैग्नेटिक कौन हुआ, ये वाला. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, Fe(CN6)3-. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, Fe(CN6)6-. एक पॉइंट अब रहता है इस पॉइंट में, वीबीटी में, एंड द पॉइंट इज पाई बैक बॉन्डिंग. और साथ ही वीबीटी में भी बच रहा है कि वीबीटी की लिमिटेशन क्या है. और ये जो पॉइंट हमें समझ नहीं आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीएल में क्या होगा और सीएन में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस को अपने दिमाग में अगले वीडियो तक रखिए. तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो दो तरह के हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल. और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो कि बन रहे थे सीएन जैसे कंपाउंड्स के साथ, इन्हीं को अपन एक और नाम से भी जानते हैं. इनर ऑर्बिटल आर ऑल्सो नोन एज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. और जो आउटर ऑर्बिटल थे उनमें स्पिन फ्री था, पेयरिंग नहीं हुई है, उनको हम बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह से वीबीटी के 90% को हमने सिलेबस को कंप्लीट किया. वीबीटी का 7th पॉइंट बच रहा है पाई बैक बॉन्डिंग, साथ ही वीबीटी की लिमिटेशन, और फिर उन लिमिटेशन को कैसे ओवरकम किया हमने सीएफटी एलएफटी और बहुत सारी और कंसेप्ट से, इन सभी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. यहां तक आप वीबीटी की जो कहानी दे रखी है इसको अच्छे से पढ़िएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ एक्सेप्शंस जो हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे वीबीटी के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा.